बनने की विधि का महोत्सव है। दुनिया में जितने भी धर्म दर्शन हैं, उन सब दर्शनों में लगभग परमात्मा अलग होते हैं और जीवात्मा अलग होते हैं। वो जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहते हैं, कभी परमात्मा नहीं बन सकते, और परमात्मा अनादि से परमात्मा ही है। वे आराम से वैकुंठ में आराम करते हैं, और जब इस दुनिया में जीवात्मा कभी कभी लड़कर झगड़कर बहुत उपद्रव पैदा कर देते हैं, और तो वो अवतार लेकर इस जगत को थोड़ा बहुत ठीक करके फिर जाकर अपने वैकुंठ में आराम करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर की मंजिल पर माँ बाप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और नीचे के मंजिल पर बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते में लड़ पड़ते हैं, और लड़ने में कभी खाता पाई भी हो जाती है, गाली गलौज तो होती ही है, और हाथा भाई में कभी कभी खून खच्चर भी हो जाते हैं। जब तक उपेक्षा हो सकती है तब तक ऊपर बैठे माँ बाप उपेक्षा करते हैं कि बच्चे हैं, लड़ते ही हैं, हो जाएंगे ठीक अपने आप। लेकिन जब वहां आराम करना संभव नहीं रहता तो उन्हें वहां से उतर कर नीचे की मंजिल पर आना पड़ता है। किसी को डांटते हैं, किसी को पुचकारते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी को छाती से लगाते हैं, क्यों? और थोड़ा बहुत ठीक करके और फिर जाके ऊपर आराम से सो जाते हैं। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, जैन दर्शन में ऐसा कोई स्पेशल परमात्मा नहीं है, बल्कि प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है ही, यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं में ही जम जाए, स्वयं में ही रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। देखो, परमात्मा बन सकते हैं ये अलग बात है विराज भाई, लेकिन वो बनने की विधि भी किसी दूसरे की शरण में जाना नहीं है, दूसरे की के गीत गाना नहीं है, दूसरे की भक्ति करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में जमना रमना, उसी का ध्यान करना है। ये भी स्वाधीन प्रक्रिया है आत्मा से परमात्मा बनने की। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो 7 दिन का है, ये बताया जाएगा कि साधारण आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, तो विधि बताई जाएगी, और क्या चाहिए बोलिए अपन को, प्रैक्टिकल भी बताई जाएगी और थ्योरिकल भी बताई जाएगी। हम जैसे लोग थ्योरिकल बताएंगे, और हमारे प्रतिष्ठाचारी लोग है ना, ये उसको प्रैक्टिकल कर करके बताएंगे। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की चीज है। ये भगवान बनने का काम भगवान महावीर ने हाथी की पर्याय में किया था 9 भक्त पहले अशोक, और भगवान पारसनाथ ने शेर की पर्याय में किया था। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में और पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में, एक शाकाहारियों में भी सबसे ज्यादा ताकतवर और एक मांसाहारियों में, दोनों टॉप के लीडर है ना। ये क्या बताता है? 2 बातें हैं कि एक जैन दर्शन ना केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, अपितु पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण ये है। और दूसरी बात
अकेली शाकाहारियों के लिए ही भगवान बनने का रास्ता खुला है ऐसा नहीं है। खतरनाक बात कर रहा हूं थोड़ी, क्यों? हाथी ने तो किया तो किया, लेकिन शेर ने? अब क्या कहना चाहते हैं कि भगवान बनने के लिए मांसाहार छोड़ने की जरूरत नहीं है? मैंने कब कहा? लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसका भूतकाल का जीवन इतना खराब रहा तो ये भविष्य में तरक्की नहीं कर सकता। माने वो रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है, लेकिन मांस खाते खाते भगवान नहीं बनेगा। आज तक जो किया सो किया और आज भी जो कर रहा है सो कर रहा है, यदि कल से कोई सुधरने को तैयार है तो उसे पूरे चांस है कि वो सुधर सकता है और कहां तक कि भगवान तक बन सकता है। आप जानते हैं भगवान महावीर की जिस समय उन्हें भगवान बनने का काम शुरू किया था वो सीन कभी आपने देखा है? हमारे टोडम्बर स्मारक भवन में जाना, वहां एक चित्र लगा है, आपके गांव के मंदिरों में भी लगा होगा कि एक शेर एक हिरण को फाड़कर खा रहा है, हाथ खून से रंगे हैं, कुछ मांस का टुकड़ा पेट में चला गया है, कुछ सामने पड़ा है और आकाश से दो चार निधिधारी मुनिराज आए और वे उसे समझा रहे हैं, उसकी आंख से आंसू की धारा बह रही है। ये देखा होगा चित्र आपने, नहीं तो स्मारक में यहां आए तो स्मारक का दर्शन करने तो जाएंगे ही, लेकिन नए तरीके से बदल गया है। वैसे हमने यहाँ स्मारक लाके खड़ा कर दिया आपके सामने, नया स्मारक गेट भाई, क्यों? तो वहां एक चित्र भी देख के आना। देखो जरा कल्पना करो कि किन बहुत से लोग हमसे कहते हैं कैलाश भाई कि आप किन लोगों को आत्मा की बातें समझा रहे, आपको मालूम नहीं थे कैसे लोग हैं? मैंने कहा हमें मालूम करना भी नहीं है। नहीं नहीं हम जानते हैं इनको, ये क्या क्या करते हैं आपको पता नहीं है, काहे काहे का धंधा है इनका, मैं बताऊं आपको? मैंने कहा भैया हमें नहीं सुनना, हम जो कहते वो तुम सुनो, तुम्हारा धंधा हमें नहीं जानना है, तो फिर आप क्यों इन्हें समझाते हैं? मैंने कहा उन मुनिराजों से कहो कि वो शेर ऐसी खोटा काम कर रहा था और फिर भी उनने समझाया, ये शर्त नहीं लगाई कि हम तेरे को नहीं समझाएंगे। कभी कभी मेरे मन में बहुत विकल्प होता है कि महाराजों को इतना तो ध्यान रखना चाहिए था, कोई मैं मुनिराजों को सलाह नहीं दे रहा हूं, माफ कर देना। मेरे मन में जो विकल्प आता है वो मैं आपको बता रहा हूं विलास भाई, क्या था कि कम से कम इतना तो कहते समझाने के पहले, जा कुल्ला कर दिया, हाथ धोया ऐसे हाथ मां से समय मुंह में वो समझाना शुरू कर दिया, त्रिकाली तो भगवान आता। जब मैंने भगवान महावीर का जीवन चरित्र लिखा 1974 में, तीर्थंकर भगवान और महावीर किताब है मेरी, उनका सर्वोदय तीर्थ, तो उस वक्त जब ये सीन सामने आया तो मेरे मन में आया कि मुनिराजों ने उस शेर को क्या समझाया होगा, वो अपन को यहां लिखना चाहिए। उनने समझाया उनने समझाए तो सब लिखते हैं, लेकिन क्या समझाया होगा? तो मैंने बहुत शास्त्र छान मारे, सब जगह लिखा था कि हे मृगराज तू यहां कहां भटक रहा है, तू कहां भूल गया है, तू तो 24वां तीर्थंकर भगवान बनने वाला है, ऐसा वो सब बता रहे क्यों? और तू ये मांस मजा क्यों करता है, ये छोड़ दे, तू नरक से आया है, तू ये सब समझा रहे। मैंने भी लिख दिया एक पे और किताब छपने में चली गई, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। सच्ची घटना है कि इतने से समर्थन कैसे होगा, इतना समझाने से किसी को समर्थन हो सकता है भाई?
अवधूत गुरुदेव तो फरमाते हैं कि त्रिकाली तो भगवान आत्मा का जब तक स्वरूप नहीं समझेगा तब तक उसका ध्यान नहीं करेगा कोई भगवान नहीं बन सकता, इसमें उसकी तो बात आई नहीं। तो किसी विद्वानों से चर्चा की, बोले बेचारा वो शेर क्या समझे कि तुम्हारा त्रिकाली तो भगवान आत्मा क्या है? और वो भी उसे समझना कहा है, वो तो मांस खा रहा है इतना अपात्र, इसलिए उनने वो समझाया। लेकिन मेरा मन नहीं माना, रात के 2 बजे मुझे एक विकल्प आया कि इस शेर ये भी तो नहीं समझता है कि तू 10 भव बाद महावीर बनने वाला, 10 भव क्या होते हैं शेर के जाने, क्यों पर तूने नरक से आया तो क्या जाने नरक क्या होता है? ये बातें भी तो उसके लिए उतनी ही कठिन हैं जितनी कठिन है त्रिकाली जो भगवान आत्मा है। इसलिए अपन को ये विकल्प छोड़कर जो आत्मा का अनुभव करने के लिए जरूरी समझना है वो समझाना चाहिए। अब मैं रात के 2 रात आधर काम चलता था क्योंकि जल्दी से किताब छपनी करानी थी, महावीर धर्म चक्र में जानी थी। 2 बजे मैंने प्रेस को फोन करके और मशीन रुकवाई कि एक पेज छापना बंद करो, इसे मुझे बदलना है। और 4 पेज मैंने नए लिख के रात के 2 बजे उसमें जोड़े। वो पढ़ना अभी कभी आपको एक फुर्सत मिले तो, क्या कैसे भगवान आत्मा बनता है? तो मेरा एक ही तर्क है कि यदि वो समझ सकता है तो ये नहीं समझ सकता, और नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझ सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उन साईंधारी मुनिराजों ने उसे कुल्ला करने को नहीं कहा, पहले तुम उसका आचरण सुधारने की बात करोगे और तब तो नहीं समझाओगे आगे में, तो वो तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। हम तो शर्त लगाते हो क्यों, हमारे लिए तुम दुष्ट कहते हो, हिंसक हत्यारा कहते हो, वो नहीं सुनेगा। अरे तब तो समझाओ, तो अपने आप उसकी अपनी दुष्टता समझ में आ जाएगी। उन मुनिराज ने आत्मा समझाया, उससे कोई आचरण की बात नहीं की कि तुम ये छोड़ो ये छोड़। इसलिए पहले हमें सबको शर्तें लगाने लग जाए कि तुम ये बात छोड़ोगे तब हम तुम्हें सुनाएंगे समझाएंगे, तो कोई तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। जो मुनिराज हमारे कल्याण के लिए पवित्र भाव से हर एक को प्रतिज्ञाएं देते हैं ना, लोग उनके पास जाने से डरने लगते हैं, वहां जाके फंस जाएंगे। महाराज कहेंगे क्या कहेंगे कि ये छोड़ दे ये छोड़ दे ये छोड़ दे, महाराज के पास नहीं जाएंगे। और जो पंडित चंदा मांगेगा उसके पास जाना छोड़ दे। इसलिए महाराजों को तब तो समझाएं तो वे अपने आप प्रतिज्ञा देंगे, और विद्वान लोग भी तब तो समझाएं तो उनके यदि महिमा आएगी तो दान भी वे अपने आप देंगे। ये 2 विद्वानों का काम ज्ञान बांटना है, संतों का काम संयम जीवन में आए ऐसा प्रयत्न करने का है। हम वो दोनों, और बड़ा पंडित कौन है जो अधिक चंदा करा सके, और बड़ा महाराज कौन है कि जो अधिक चंदा करा सके। सब दोनों बड़े हो गए चंदा वाले, क्यों? अब वो आता है यहां से मुकेश और तुम बोलो ये बड़े लागे तालियां पिट जाती है, हो क्या गया? मैंने कहा हुआ क्या, काय की तालियां पिट गई? मैं तो 1 घंटा मेहनत करता हूं तो इनसे तालियां नहीं पिटवा पाता, इसने ऐसा क्या बोल दिया, इसने ऐसा क्या बोल दिया जो एकदम तालियां पिट गई? मेरा उपयोग जाता है, क्या किया तूने? 1 लाख। 1 लाख क्या होता है, क्या 1 लाख? 1 लाख आदमी, 1 लाख महिलाएं, 1 लाख शास्त्र, 1 लाख विद्वान, क्या 1 लाख? हम 1000 विद्वान कह रहे हैं तो आप शांत बैठे रहते हैं। जो 1 लाख रुपया बोलते, रुपया तो बोलते ही नहीं, 1 लाख रुपया तो आप अपनी तरफ से लगा देते हो,
क्योंकि आप उसमें रचे बचे हो, उसकी महिमा आपको पता है ना, क्यों ऐसा? इसलिए कहते हैं भाई कि ज्ञान और संयम ये पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आत्म ज्ञान और आत्म संयम राग से वैराग्य का मार्ग है जो यहां बताया जाएगा। और जैसा कि मैंने सारे देश में विदेश में घूम घूम कर घोषणा की कि हम इस पंच कल्याणक को ऐसा आदर्श पंच कल्याणक बनाना चाहते हैं कि जो सचमुच आत्मा के कल्याण में निमित्त हो, इसलिए हमने ये प्रतिबंध लगा दिया कि बोलियां घंटों मिनटों नहीं चलेंगी। मिनटों में तुम्हें एक आध दो करनी हो तो कर लो और नहीं करना हो तो नहीं करो, लेकिन यह 7 घंटा और 12 मिनट एक तत्व ज्ञान का यज्ञ चलेगा। पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी और विद्वानों के प्रचन और वो भी तात्विक, यहां वहां की गप्पे भी, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, ऐसा नहीं चलेगा क्या? ये आपको सुनने को मिलेगा। ये बोलियों में हम समय खराब नहीं करेंगे, हमने जुलूस छोटे छोटे कर दिए। आपने सुबह जुलूस देखा वो कितना कर रहा, फटाफट निपट गया ना आप 15 मिनट में, आधे घंटा में, 2-2 घंटा 3-3 घंटा घूमते रहना हाथी घोड़ों के साथ ईडिया समेत पूर्वक चलेंगे। जिनका मोक्ष हुआ होगा तो होगा, हमारे कितने जीवों का मोक्ष हो जाएगा। छोटे जुलूस कम से कम और नाच गाने कम से कम, नाच गाने चलते सुबह फिर आगे जाने फिर दे दिया फलानी दे दिया फलाने आगे फिर मैंने प्रतिबंध लगाया लिमिटेड 10 कदम। जितने और पंच कल्याणकों में होते हैं उसे बंद फोड़, गोलियों में भी समय बंद फोड़, जुलूस में भी बंद फोड़, ये सब करके हमें इतना समय निकालेंगे तो इस तत्व ज्ञान की चर्चा गहरी चर्चा होगी और आप ये सीख जाएंगे। हमने जयपुर में ये सारे जो प्रचार में कर रहा हूं इनकी सीढ़ियां बांटी हैं, जा रहा किताबें हर जगह पहुंचाई हैं और ये व्याख्यान भी होंगे। मेरे कहने का मतलब पंच कल्याण क्या चीज है तो ये आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। ऐसी 5 घटनाएं हैं कि जब कोई आत्मा परमात्मा बनता है, हमारे आदिनाथ से लेके महावीर तक परमात्मा बने, तो उनके जीवन में जो 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो उन घटनाओं को पंच कल्याणक कहते हैं। उनकी हम रोजाना चर्चा करेंगे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, क्यों जी एक कल्याणक और बना देंगे तो क्या है दिक्कत, एक साथी कल्याणक, क्योंकि शादी मोक्ष मार्ग में निमित्त तो है नहीं, काय का कल्याण का कारण तो है नहीं, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं? तो शादी को इस बंद कल्याणक में जगह कैसे मिल सकती है? ये हमने घुसेड़ दी इन प्रतिष्ठाचार्यों ने, ये हमारे विद्यार्थी हैं, घबराना नहीं, जो उनने सबने किया है उसमें हम भी उतना ही हिस्सेदार हैं। क्या नैमियाद की बरात निकलेगी और दिन भर दिन से निकल रहा है और रास्ते में मिठाई बच रही है, लोगों को खाने पीने को मिल रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, लड़का लड़कियां एक साथ, क्यों कहां से मौका मिलेगा? इन भले आदमियों को एक नैमियाद ऐसे मिल गए कि जिनके बैराग्य के निमित्त में बरात की बात आई थी, जिनने बरात ही बरात इतनी लंबी चौड़ी, वो बैराग का जुलूस तो खत्म हो गया और राग का जुलूस बड़ा हो गया, लेकिन भले आदमियों को शादी भी ऐसी मिली जो सबसे ज्यादा असफल शादी थी। क्यों भाई साहब सफल शादी है? तो राग रंग का कम से कम अभी 2 दिन थोड़ा चलेगा, क्यों गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में थोड़ा राग रंग होता है, दीक्षा कल्याणक के बाद तो सवाल ही नहीं है ना। तो हमने ये सारी चीजें एक नए रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का नक्की किया है। तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है, एक बात तो मैंने आपको ये बताई, अब दूसरी बात यह है
कि विश्व के जैन मंदिरों में, विश्व के किसी भी कोने में जैन मंदिर हो, तो उसमें जो भगवान की मूर्तियां विराजमान हैं, वे सभी मूर्तियां इसी पंच कल्याणक विधि के माध्यम से प्रतिष्ठित होके गई हैं, कल में ना, और वे विराजमान हुई हैं और हजारों वर्ष से पूज रही हैं। यदि ये पंच कल्याणक महोत्सव नहीं हो तो वे मूर्तियां भगवान नहीं बन पाएंगी, मंदिरों में विराजमान नहीं हो पाएंगी। स्थापना जो हमारा निक्षेप है, स्थापना जो नए है, एक प्रतिष्ठा उसका स्वरूप है। मैं एक बात पहले दिन हृदय जाके कहता हूं और यहां भी कहना चाहता हूं कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सब लोग तो पधारे ही हैं, पूरा पंडाल भरा, पहले दिन इतना भरा पंडाल मैंने आज तक नहीं देखा कहीं। पहला दिन है देखो, जैसे ने कहा था ये पंडाल बनाना पड़ेगा, मैं तो पहले ही कह रहा था उस पंडाल बनाने वाले से, भैया ये बगल से खुल सकता है कि नहीं, ये बढ़ सकता है कि नहीं, मैं पूछ रहा था, लेकिन सच में जैसा लगता है। तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जो बात चल रही है कि जो पहले दिन कहता हूं कि इसमें कुछ पत्थर की मूर्तियां आई हैं, आप जानते हैं किस जयपुर में आप आए हैं, मालूम आप कहां आए हैं, जयपुर में आए ना, कौन सा जयपुर, जहां भगवान बनते हैं, विश्व के सब मंदिरों में जितने भगवान विराजमान हैं वो सब इस जयपुर से ही बन के गए हैं क्या। और भाग्य की बात देखो कि जो भगवान बनते हैं उन्हें पास हम करते हैं। आप लोग आते हो कहते साहब जरा तो मूर्ति मोल लेते लोगे क्या कि हमने भगवान लिए, जरा देख के आप पास कर दो। हमने इस जयपुर में एक चेतन भगवान बनाने का कारखाना भी खोला है और भाग्य से उन भगवानों को भी हम पास करते हैं और फिर भी हमारे भगवान इन भगवानों को भगवान बनाते हैं प्रतिष्ठा के माध्यम से बनाते हैं ना। भगवान की मूर्ति कैसी होती है हमें उसका भी विवेक नहीं है। ये गुजराती लोग हमारे पास आते हैं अमित भाई और हमसे कहते हैं कि पंडित जी हमको एक बहुत बढ़िया हसमुख भगवान दिला दो। कौन से भगवान, तो मैं उनसे कहता हूं कि हसमुख होंगे तो भगवान नहीं होंगे और भगवान होंगे तो हसमुख नहीं होंगे, क्योंकि हास्य तो कसा है और भगवान तो कसायों से रहित होते हैं। लेकिन न मालूम इनको हसमुख कितने पसंद है, हर तीन गुजरातियों में से एक गुजराती हसमुख मिल जाएगा। जैसे अपने यहां है लक्ष्मीचंद, गांव गांव में लक्ष्मीचंद मिलेंगे, सरस्वती चंद्र नहीं मिलेंगे क्यों। अरे भाई भगवान की मूर्ति कैसी होती है, सभी बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। नरेंद्र भाई तो ये पंच कल्याणक में जितने भी पत्थर की मूर्तियां आई हैं, सात दिन बाद जब वे यहां से जाएंगी तो गारंटी से भगवान बन के जाएंगी, सुनता है इसमें, और मंदिरों में विराजमान होकर हजारों हजारों वर्ष तक भगवान बन के पूजेंगी। और हम भी भाग्य से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आ गए हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी है कि नहीं कि जब हम यहां से जाएं तो ना सही भगवान तो इंसान बन के तो जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि यहां आने के बाद भी नहीं हुआ तो कब होगा बताओ, होना चाहिए ना।
यानी इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए। मूर्तियां तो भगवान बन जाएंगे ना, तो अपन भगवान बनने की विधि समझ के जाएं, कुछ ना कुछ तो बदल के जाएं। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं इन माताओं बहनों से कि यदि भाग्य से यहां अम्मा जी ना आ गई हो और बहुएं नहीं आ पाई हो, सासू जी आ गई हो और बहुएं नहीं आ पाई हो, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई बहुत जोरदार है, छुट्टी नहीं मिलती, परीक्षाएं आ जाती हैं, बेचारी बहुएं निकल नहीं सकती हैं। ये हमारा कुबेर बैठा है ना, ये अकेला बैठेगा, मैं नहीं बैठने दूंगा ऐसे। जब कोई नहीं आता है तो वो ये दूसरे को गोली दे देता है, मैं भी कुबेर की गोली लगाऊंगा, बुला के नहीं चुपचाप क्यों सर? अब नहीं आ पाई, सब पढ़ाई है, परीक्षा है, ये है वो है, तो बहुएं नहीं आ पाई हो और सासें आ गई हो, अम्मा जी आ गई हो, तो उनकी ये ड्यूटी है कि जब वे लौट के घर जाएं तो बातों से नहीं, उनके व्यवहार से बहुओं को ऐसा लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा के आई हैं और ज्वाला बाई से शांति बाई बन के आई है। प्रेमचंद उपन्यासकार ने लिखा है कि इन माताओं बहनों को सास बनते ही न मालूम उनमें कैसे क्षार तत्व तो पैदा हो जाते हैं। लिखा उन निर्मला नाम का उपन्यास है उनका, उसमें लिखा है, मैंने तो उसे 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। क्या लिखा है? सब बजट जानते साहित्य अकादमी है, इन्हें जो महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन सास बनते ही इनमें ऐसे क्षार तत्व पैदा हो जाते हैं कि देखा भगवान क्या हो जाता है। तो मैं कहने का सासें यहां आ गई हो तो उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए और वो उन बहुओं को स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए। और दुर्भाग्य से यदि बहुएं आ गई हो और अम्मा जी नहीं आ पाई हो, क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर तो ऑपरेशन कराने की कहते हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्यों नहीं आ पाई हो, तो जब लौट के बहुएं जाएं तो उनकी भी एक ड्यूटी है। और क्या ड्यूटी है? कि जब वे यहां से जाएं तो उनकी श्रृंगार की टेबल पे से 10-5 शीशियां कम होनी चाहिए। वो हिंसक सामग्री से जो श्रृंगार की आती है ना, जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, जो हिंसा से उत्पन्न होती है, वो तो कम से कम उनके जीवन में नहीं होना चाहिए ना। जब मैं ये बात समझाता हूं तो मेरे भी तो बहन बेटियां हैं ना, तो कहते हैं दादा जी आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं हम लोगों के? अरे भाई ये थोड़ा लगाना पड़ता है, क्यों? कि जिससे हम सुंदर लगे। मैंने कहा बेटा तुम सुंदर लगोगे पाओगे? क्या लगेगा सुंदर? तुम तो दिखोगे ही नहीं। लोग कहते हैं पहले जमाने में पर्दा बहुत था, और अब पर्दा खत्म हो गया। पहले जमाने में किसी की माँ बहन की हम शकल ही नहीं देख सकते थे, और आजकल तो बराबर तुम सको शकल तो क्या ताजे कुछ देखो। लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात है। सही बात यह है कि आज जितना पर्दा है पहले जमाने में उतना पर्दा था ही नहीं। क्यों? कैसे नहीं था? क्योंकि चाहे जितना लंबा घूंघट मारे लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ससुर अपनी बहू को पहचान ना पाए। तो बिना चेहरा देखे पहचान लेते होंगे, क्यों दिखाई दे जाता था कि नहीं बाबू कहता देखना ना। लेकिन आजकल तो जो बाथरूम में से निकलती हैं इतनी बड़ी परत चेहरे पे लपेट के निकलती हैं कि पता ही नहीं चलता असली चेहरा कहाँ है, कितना बड़ा पर्दा है। बोलो असली मां बहन को तो हमने आज तक देखा ही नहीं पाया,
क्यों? कालिदास ने लिखा है मंडनम नारकृति नाम, जो स्वयं सुंदर होते हैं उन्हें मंडन माने श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंगार का भाव इस बात का प्रतीक है कि हम मानते हैं कि हम सुंदर नहीं है। यदि हमारा चेहरा वैसे ही दिखाने लायक होता तो हमें जीतते होते क्यों? तो जो कम से कम हिंसा से उत्पन्न होती हैं, वो चीजें तो नहीं होना चाहिए। और सिल्क की साड़ियां, एक मीटर सिल्क बनाने में 5,000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता, और 5 मीटर की साड़ी हो तो 25,000 कीड़े मरे। तो बे साड़ियां कम से कम उनका पहनना तो छोड़ें। अरे आजकल तो आर्टिफिशियल सिल्क बहुत आने लग गई है, बढ़िया बढ़िया कपड़े आने लग गए हैं। क्यों? तो वे यहां से लौट के जाएं तो उनके खान पान, रहन सहन, पहनने ओढ़ने में कुछ अंतर अवश्य दिखाई देना चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूं तो पुरुष लोग मेरे से कहते पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया? कई माताओं बहनों को जरा ये बता दिया, हम तो बहुत परेशान थे घर में सास ससुर के झगड़ों से और ये श्रृंगार सामग्रियां खरीद खरीद कर, हम बहुत परेशान थे, आपने अच्छा कर दिया, अब थोड़ा आराम हमें मिलेगा। मैंने कहा बेटा तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी ड्यूटी है। क्या? कि यदि यहां से माँ बाप आ गए हो और बाल बच्चे ना आ पाए हो, नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, धंधे का कारण है, क्यों हो सकता है ना? अरे माँ बाप तो बुढ़े हैं, किसी काम के तो है नहीं, कम से कम 8-10 दिन को जाए तो कम से कम थोड़ा आराम तो मिले घर में। क्यों भेज दिया, जाओ जाओ जाओ, हो गया लेबर हो गया। तो एक बुजुर्ग जब यहां से लौट के जाए तो उनके व्यवहार से घर वालों को ये पता लगना चाहिए क्या कि अब मुझे तिजोरी की चाबी लेने के लिए पिताजी के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जब तक मरने के नहीं तब तक बच्चों को तिजोरी की चाबी नहीं समझ सकते हैं? दुकान का हर चीज अपने कब्जे में करते के नहीं रखते हैं। अरे भाई इनको कल देना ही है तो दे दो ना, आज आराम से तुम जाओ धर्म का धर्म करण करो, इन्हें अपना धंधा आराम से करने दो। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि जब तक बाप जिंदा थे घर के बेटे घर का फर्नीचर नहीं बदल पाए। मेरे बाप दोनों में पुराना है, बहुत बढ़िया है ऐसा, अब देखे तो रिजेक्ट हो गया, हम तो नया बनाएंगे, नए तरीके का बनाएंगे। क्यों? जब तक बाप नहीं मिले तब तक वे फर्नीचर नहीं बदल पाए। और उन घरों में मालूम क्या होता है कि बाप मरे हुए 3रा दिन नहीं हो पाता है तब तक तो फर्नीचर तो क्या पूरा मकान ही भर जाता है। क्यों? तो उन माँ बाप को थोड़ा सा क्यों एक कब्जे वाली प्रवृत्ति को छोड़ने की नेतर होना चाहिए कि जब पर्दे में मेरा है ही नहीं। क्यों? गुरुदेव श्री फरमाते थे अपने प्रवचन में, आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा, एक सेठ जी आए तो आग बबूला हो रहे थे, तो गुरुदेव ने पूछा तुम क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तो अभी बताओ ना बोलो क्या हुआ? कि वो लड़का गया 2,00,000 रुपया जुए में हार गया। मैंने निकाल दिया घर से, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, बहुत गर्व बहुत तुमने। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे बाप का क्या लेगा? उसने अपने लिए, उसने अपने पैसे तो खोए है ना, तो उसके कहां से? मेरे क्या? अरे मरने के बाद तो उसके ही थे ना, अब उसे 2,00,000 कम मिल गए, तुम्हारा क्या दिया? गुरुदेव अपने मुंह से बोलते थे प्रवचन में, उनके कैसे में निकलेंगे, तुम क्यों रोते हो? उसने अपने ही बर्बाद करे, तुम्हारा कुछ नहीं खोया है, तुम ये क्यों मान के चले कि तुम्हारा खोया है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हमारी घर की परिग्रह की सब बात की जो पकड़ है थोड़ी ढीली होनी चाहिए, आपकी भी कुछ ड्यूटी है। और यहां
यदि माँ बाप नहीं आ पाए हों और बच्चे आ गए हों तो बेलौट के जाएं तो उनके जीवन से माँ बाप की वो चिंता थोड़ी कम होना चाहिए कि हम एक मंदिर तो एक से एक बढ़िया बनाते जा रहे हैं तो इनकी पूजा कौन करेगा, क्या इन्हें संभालेगा कौन? आपके व्यवहार से उन्हें ऐसा लगना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, दो आदमी यहाँ आ गया है इस अयोध्या नगरी में, तो उसे जब वो यहाँ से वापस जाए तो जैसा आया है वैसा ही का वैसा वापस ना चला जाए, कुछ ना कुछ अंतर उसके जीवन में अवश्य आना चाहिए। अब वो भगवान बन जाए मैं नहीं कहता हूं, अरे भाई ये इससे बढ़िया और अवसर तुम्हें कौन सा मिलने वाला है? ये पंच कल्याणक से बढ़िया अवसर और मिलेगा कोई? तो यहां भी हमारे परिणामों में थोड़ी बहुत निर्मलता नहीं आई तो वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां जाकर हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी? ऐसा कौन सा अवसर है? शास्त्रों में पंच कल्याणक दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। बढ़िया बात तो ये है कि हमें सम्मान प्राप्त करने की विधि सीख के जाएं, सम्मान प्राप्त करके जाएं तो इससे तो बढ़िया कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम जैसे जाए वैसे ही चले जाएं, ये तो बात नहीं समझ में आती है। अरे भाई जब भयंकर गर्मी लगती है तो हम 5 मिनट को स्नान घर में चले जाते हैं, क्यों? और ठंडे पानी से नहाते हैं 5 मिनट तक। तो जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा फ्रेश मैस अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ अच्छा लगा, ठंडक लगती कि नहीं लगती, कुछ गर्मी कम होती कि नहीं होती? होती है ना। तो 5 मिनट के स्नान घर ने जो काम किया, ये 5-7 दिन का पंच कल्याणक महोत्सव उतना भी काम नहीं करेगा। यहां से लौट के जाओ तो कुछ थोड़े बहुत ठंडे हो, कि वैसे जैसे गर्म आए थे वैसे ही के वैसे गर्म वापिस जाओगे। और ये बात पहले ही दिन कहना बहुत जरूरी है, क्यों? अंतिम दिन कहें तो उनके समय तो निकल ही जाएगा। अब आज से भी आप समझेंगे तो आज से ही आप प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, घर में ना। तो ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव किन का आ रही है? अभी यहां बोर्ड बोर्ड नहीं लगा, कब लगेगा? क्या महामंत्री जी ये क्या चक्कर है? श्रीमद जिन्हें आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है ना, तो ये आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है ना, तो इसमें तो भगवान आदिनाथ की ही मूर्तियां प्रतिष्ठित होंगी, अकेली महावीर की, बाहुबली की भी नहीं होंगी, वंशभूज की, नैमिनाथ की हो जाएंगी। नेमिनाथ का पंच कल्याण तो है ही नहीं, नेमिनाथ की मूर्ति तुम कैसे कर रहे हो? अरे भाई वास्तव में ये आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं है, घबराना नहीं। इसका मूल नाम क्या है? श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। ये तो जिनेन्द्र भगवान का पंच कल्याणक है, कोई भी आत्मा परमात्मा बना है जिन से जिनेन्द्र बना है तो वो सबकी मूर्तियां यहां प्रतिष्ठित होंगी। तो फिर आदिनाथ कौन है इसमें? आदिनाथ को बोलते विधि नायक। मंदिर में दो तरह की मूर्तियां होती हैं, एक तो बीच में मंदिर की मूर्ति होती है, सबसे 3 मूर्तियां हैं 5 मूर्तियां तो बीच की मूर्ति होती है, तो बीच की मूर्ति होती है सबसे बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं मूल नायक। और मंदिर का नाम उसी के नाम पर होता है। यदि कोई केस चले तो नेमिनाथ मंदिर है ना, तो भगवान नेमिनाथ के नाम पर केस आता है चलता है, तुम्हारे नाम पर नहीं चलता। वे तो होते मूल नायक। और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भगवान जाएंगे ना, जो खाती पे बैठेंगे, वो भगवान विधि नायक कहलाते हैं, उन पर सारी विधि होगी,
भी आदमियां हैं। बाकी मूर्तियां तो यहां रखी रहेंगी और कुछ मूर्तियां स्मारक नहीं रहेंगी बड़ी बड़ी, वहीं जाके विधि हो जाएगी। लेकिन एक मूर्ति जो करीब 9 इंच की होती है पोर्टेबल, बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उठेगी नहीं हमसे, ज्यादा वजनदार हो तो उठेगी नहीं हमसे, और यदि पत्थर की हो और हाथ से चूक गई तो खंडित हो जाएगी। इसलिए सप्त धातु की वो एक मूर्ति होती है जिस पर सारी विधियां संपन्न होती हैं, उन्हें विधि नायक कहते हैं। तो इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विधि नायक भगवान आदिनाथ हैं, इसलिए इसका नाम रखा आदिनाथ श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मूर्तियां सबकी प्रतिष्ठित होंगी, जितने भी प्रतिष्ठा पाठ लिखे गए बाबू भाई वे सब भगवान आदिनाथ के आधार पर ही लिखे गए। इसका मतलब यह होगा विधि नायक हर जगह आदिनाथ ही होते हैं, होना चाहिए। घबरा नहीं, पूरी बात सुनना। प्रतिष्ठा पाठ भी सब वही है, दो कारण है। ये तो पहला नंबर है उनका, चुनाव करना हो तो पहले नंबर का तो बड़े आता है, बड़े भाई का नंबर डालते लग तो बड़े भाई को ही बताना। और दूसरे अपने पास जो पुराण ग्रंथ हैं तो सबसे ज्यादा कहानी आदिनाथ की है। आपने महापुराण का नाम सुना, महापुराण माने 24 तीर्थंकर के जीवन का चरित्र। तो वो मान लीजिए 1000 पेज का है, तो 2400 भगवान के, एक एक भगवान के कितने कितने पेज होंगे, कितने होना चाहिए बंटवारा करें तो? मेरा गणित कमजोर है बेटा, तुम बताओ ना, एक एक भगवान को कितने कितने पेज मिलेंगे? 40-40 मिलेंगे, बहुत हो जाए, तुमने बता दिया बेटा। लेकिन वहां आदिनाथ भगवान को 500-600 पेज और बाकी के 200-300 पेज में निपटा दिए। 23 चरित्र ही नहीं है ज्यादा, 8-10 पेज के हैं भाई साहब, तो क्या लिखें, क्या बताएं, क्या करें, उसका कैसे करें? वो जिनसेनाचार्य ने लिखा है और आदिनाथ का पूरा खत्म हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया, टूर्नामेंट जी जैसा काम हुआ। तो उनने, उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने उसको पूरा किया। तो गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, शिष्य तो शिष्य ही होते हैं। उनने तो 600 पेज में एक भगवान निपटा, इनने 300 पेज में 23 भगवान निपटा दिए। क्यों? तो ऐसा नहीं कहना चाहता मैं गुणभद्र कोई कमजोर आचार्य थे, बहुत महान आचार्य थे। अरे जिन सेन भी पूरा करते तो वे भी 3 ही पेज में 23 निपटाते। क्यों? है क्या, कर क्या, पंच कल्याण तो सबके एक सही होते हैं। वही एरावत हाथी, वही उसकी सूण, वही उसके सुमेर पर्वत, वही पांडुक शिला, वही देव आए वहां से, सब वैसे वैसे। यानी पांचों कल्याणक 24 के बिल्कुल एक से होते हैं। अब एक के हमने खूब विस्तार से वर्णन कर दिया, अब दूसरे में लिखने को बचा ही क्या। समय मैं भूल गया हूं कब शुरू किया था, जितना समय हुए तो बता देना, कितना हो गया, 10 मिनट और समय तो बता सकता हूं मैं। आप जानते हैं महाकाव्य लिखे जाते हैं उसमें एक नियम होता है, एक देश का वर्णन होना, एक नगर का वर्णन होना, एक राजा का वर्णन होना, एक रानी का वर्णन होना, ये सब नक्की है। कि एक प्रातः काल का वर्णन होना, सायंकाल का वर्णन होना, ये सारी बातें नक्की हैं। मैंने भी एक महाकाव्य लिखने की कोशिश की थी, उसका नाम था वैराग्य, उसमें मैंने सब चीजें लिखी थी नियमों के अनुसार। वो पढ़ा है कहीं, अन्ना जी के पास पढ़ा होगा कहीं, आधा अधूरा था, न पूरा हो पाया न छप पाया, कहां पढ़ा पता नहीं। तो उसमें एक ने यदि हमने वर्णन कर दिया राजा का, तो अब दूसरे राजा में क्या करें? अब वो नाग जो है तोता जैसी सुंदर है, दूसरे में भी तोता ही जैसी रहेगी ना। वर्णन जो नक्शे से तक होता है, जानते हो, चोटी से पैर के नाखून तक साधारण आदमियों का, और जो तीर्थंकर वगैरह जैसे महापुरुष होते हैं
उनका नख से लेकर सिर तक, नाखून से लेकर चोटी तक, ऐसा वर्णन होता है। तो नक्श वर्णन बोलते हैं उसे। तो वो एक का सीता जी का वर्णन कर दिया, अब कौशल्या के में क्या बताएं। मैंने एक नारी का बढ़िया से बढ़िया एक कवि वर्णन कर सकता है। अब उन्हें तुम हर फिर हर फिर नारी फिर रानी तो क्या करेंगे, वो फीके हो जाते हैं। एक नगर का वर्णन कर दिया तो दूसरे नगर का वर्णन फीका हो जाता है। इसलिए सारे महाकाव्य एक ही एक के वर्णन वाले होते हैं। अभी तुम साहित्य तो दुनिया से गायब हो गया, टीवी खा गई, अब कोई पढ़ते नहीं है, हमारे विद्यार्थी भी नहीं पढ़ते हैं, इन्हें कोई पता नहीं है क्या होता है, महाकाव्य कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ख्याल नहीं ना। तो इसलिए वो सारी कलाकारी जिनसेन ने आदिनाथ पे दिखा दी और वो मौजूद है, तो उसी का बढ़िया से बढ़िया क्रस कर सकते हैं। बाकी चीजों के अलावा करोगे तो क्या होगा, बदला बदली तो कुछ हो नहीं सकती। बे सौधर्मेंद्र आएंगे, बे छप्पन कुमारियां, बे अर्ष देवियां। अब कैसी बुद्धि बुद्धि पड़ गई है, पहले दिन कह दू बता छप्पन कुमारियां, छप्पन कुमारियां बनाना तो आठ आठ वर्ष की, दो दो वर्ष की, तीन तीन वर्ष की बच्चियां जो खड़ी नहीं हो पाती हैं, दादा के स्टेज पर रो देती हैं, उन्हें बना दो। क्यों भैया, क्योंकि तो कुमारियां होती हैं, किसने कहा तुमसे। अरे देव गति में कोई कुमारा नहीं होता, जन्म से ही सब शादी शुदा होते हैं, कुमारियां वुमारियां है ही नहीं। शास्त्र में तो कुमारियां लिखा है, तुमने शास्त्र पढ़े। अपन पहले पंच कल्याण वो पढ़ते थे, पंच कल्याण एक पाठ पढ़ते थे ना, उसमें क्या आता था, छप्पन सुदेवी करत सेवी सरस उत्सव ठान के हर साय गाय बजाय के। क्यों पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, वहां क्या लिखा है, छप्पन सुदेवी, छप्पन सुकुमारी, क्यों क्या होता भाई, लोग बैठे ना ग्रुप के ग्रुप, देवियां नहीं, देवियां हैं ये कुमारी नहीं है। हमने कहा छप्पन कुमारी क्यों लिखा, हम तो धोखे में आ गए, क्यों किसी का नाम महेंद्र कुमार है तो सब कुमारे हो गए। अशोक कुमार, नाग कुमार, अरे ये तो उनका नेचर बच्चों जैसा होता है, कुतूहल प्रिय, इसलिए उन्हें कुमार बोलते हैं। सौधर्मेंद्र को कोई कुमार नहीं बोलता, सौधर्म कुमार नहीं बोलता कोई, संजय राजेंद्र कुमार, हुकुमचंद्र कुमार नहीं है, उसका नेचर बच्चों जैसा नहीं है। नहीं, ये शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि इनका कुमार माने लड़कपन जैसा नेचर होता है, इसलिए इनका नाम अशोक कुमार, ना कुमार, विद्युत कुमार, दीप कुमार, दीप कुमार, ऐसे नाम है। जो कोई कुमारे वाले कोई नहीं है, कुमार ऐसे हमारे दिमाग में कुमारा घुस गया, कुमारा घुस गया, कुमारा घुस गया। अब लोकांतिक, अब बेहतर इतने इतने छोटे छोटे बच्चे आ जाते, क्यों करते तमाशा क्यों करते हो कि सब तो भ्रमचारी, तो भ्रमचारी माने बच्चे। क्यों, अरे वे तो उनकी जितनी आयु है, उतनी आयु में तो जो भी आयु पूरी होती होगी तब तक भी वे ये क्यों भ्रमचारी है ना, जितने दिन है इतने हैं ना, किस किस शब्द से हमने कहां पकड़ लिया, अब वो हर एक के दिमाग में घुसा है, वो हमारी बच्ची तो बड़ी हो गई, वो तो कुमारी बन नहीं सकती, हमारा बच्चा तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया है? अरे बैराग्य का तो प्रकरण है, और वो आते हैं काय के लिए, अनुमोदना करने के लिए, तुमने बहुत अच्छा विचार किया हुए, क्यों, और वे तुतलाते हैं, सब हंसते हैं देख देख के, बैराग्य आता है किसी को, हास रस का परिपाक होता है, बैराग्य रस का परिपाक होना चाहिए ना। हम भी मजाक करते हैं, पंडित भी मजाक करते हैं, क्यों मजाक करते हैं, मजाक करते हैं, सब हंसते हैं। अरे वातावरण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए ना। क्या नाम तेरा, सुनील नाम, क्या नाम, अरे करने वातावरण कैसा होना, इसलिए कह रहा हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये आदर्श पंच कल्याणक है, हम पूरी फिल्म बनवाएंगे और बताएंगे कि कैसा होना चाहिए, बातों में
इसमें भी समझाएंगे, वहां प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। हम टोकेंगे बेटा तुम्हें सर नहीं समझने के तुम्हारा, ये हमारे पास जैसे आते हैं क्या विद्यार्थी है जो हमारी सुनते नहीं है, वे तो कम है कहीं नहीं है ना। ये तुमको बराबर जो मैं कहता हूं वैसा ही करना पड़ेगा कि असली पंथ कल्याण क्या है, उसका स्वरूप हमारे ख्याल में गहराई से आना चाहिए। हम हर बात पर सोचें गंभीरता से और हम विचार करें, हमने बहुत परिवर्तन किए भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब कितने दिन के हैं, एक दफा पूरा हमने बहुत कोशिश की, इतने पंथ कल्याण होते हैं तो सब जगह कुछ ना कुछ सुधार करें, लेकिन वो कहते नहीं पंडित जी है तो हमारे यहाँ तो ऐसे चलेगा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ एक पंच कल्याण ऐसा करो जिसमें हमारे यहाँ का चक्कर नहीं हो, वो हमारे ही यहाँ हो तो जो हम चाहें वो हो, खैर नहीं ना। इस दृष्टि से हमने एक एक चीज पर बहुत गहराई और गंभीरता से विचार किया है कि एक पंच कल्याण का क्या उद्देश्य है, क्या काम है, क्या क्या स्वरूप है, समझे ना। अभी इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, आज का एक घंटा हो गया है, फिर बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे।